सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में एक दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए हैं और पहली बार देश में वायरस ने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर दिया। देश में एक दिन में 2,07,000 से अधिक केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में वायरस से 1,400 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और मौत का आंकड़ा 1,500 छूने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना की सेकेंड वेव ने इस तरह से हिट किया है, इस तरह से प्रभाव डाला है कि 2,60,533 केस हो चुके हैं। और एक बड़ी खबर है, मेरठ के कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही कॉलेज के 38 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बड़ी खबर आपको मेरठ से दे रहे हैं। मेरठ में एक दिन में रिकॉर्ड 786 नए मामले कोरोना के सामने आए। तो जाहिर बात है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़े के साथ साथ सख्ती भी। उत्तर प्रदेश में आज संपूर्ण लॉकडाउन है। बीती रात को यानी कि कल रात 8 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हुआ जो कि सोमवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला है। तो वहीं लखनऊ में ज्यादा मौतें होने की वजह से शमशान में जगह कम पड़ रही है। लखनऊ के भैंसाकुंड बैठन धाम का विस्तार करना पड़ा है। शमशान में जगहों के लिए जगह बढ़ाई गई है। ज्यादा शव आने के बाद शमशान का विस्तार करना पड़ा है। तो लखनऊ में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और यहाँ पर हालात ये हैं कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जगह तक नसीब नहीं हो रही। बिहार में लॉकडाउन लगाने या दूसरे विकल्पों पर आज फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद ही नीतीश अंतिम फैसला करेंगे। अपनी राय रखी थी कांग्रेस ने, संपूर्ण लॉकडाउन की सलाह दी थी। राजस्थान में कोरोना कर्फ्यू के बीच गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमितों को मुफ्त में इंदिरा रसोई योजना के तहत खाना देने का फैसला किया है। राज्य में पहले से ही 30 अप्रैल तक रात का कोरोना कर्फ्यू लागू है। इसके साथ ही सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू